हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम समझेंगे डेटर्स के बारे में, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। दोस्तों, ये चारों चीज़ें एक साथ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। डेटर्स का बिल्स रिसीवेबल से और क्रेडिटर्स का बिल्स पेबल से संबंध है आपस में। इसके अलावा बल्कि दो चीज़ें और हैं, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल, उसको भी हम साथ ही समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं डेटर्स क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास अपना एक बिजनेस है, शर्ट्स बनाने का बिजनेस है। मेरे अपने कारीगर हैं, वो शर्ट्स बना के मुझे देते हैं, और जो मैं उन शर्ट्स को अपने रिटेलर्स को दे देता हूँ, और वो रिटेलर्स क्या करते हैं, बाद में अपने कस्टमर्स को देते हैं। तो ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल मैंने शर्ट्स 50 शर्ट्स दी एट द रेट ऑफ 500 रुपीज़ पर शर्ट्स, 25,000 रुपीज़ की एक रिटेलर को दी, से फॉर एग्जांपल मिस्टर कुमार। ठीक है, 25,000 रुपए की शर्ट्स दी। कितने रुपए की एक शर्ट है? 500 रुपए की 50 शर्ट्स। कुमार साहब ने क्या किया, ₹5,000 कैश दे दिए एज ए टोकन ऑफ मनी, और 20,000 ये कहा कि पेएबल लेटर, पेएबल लेटर, से फॉर एग्जांपल 2-3 महीने बाद उन्होंने बोला ये दे। अब ये तो कैश दे दिया, ये तो कैश की तो कहानी खत्म हो गई। अब ये जो पेबल हैं 20,000 रुपीज़ मेरे लिए, ये डेटर्स हो गए। अब मिस्टर कुमार क्या है? डेटर्स फॉर मी। ये हो गए डेटर्स 20,000 रुपीज़। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन्स डेटर इज अ पर्सन हु ओज सम अमाउंट टू द बिजनेस और टू फर्म और एंटिटी अगेंस्ट द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब गुड्स क्या है मेरे यहाँ पे? शर्ट्स है। सर्विसेज भी हो सकती हैं, सर्विसेज जैसे एयरलाइंस की सर्विस है, एयर इंडिया की सर्विस है, एयरटेल है सर्विस है, जो इंटेंजिबल सर्विसेज हैं, एयरटेल है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन्स है, है ना, ये सर्विसेज में भी हो सकता है, लेकिन गुड्स ये और सर्विसेज। ठीक है, अब ये है हमारा केस वन। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 20,000 डेटर्स हो गए। अब और आगे चलते हैं। सपोज मेरे को ये 3 मंथ्स वाला समझ में नहीं आ रहा, मैं इनको बोलता हूँ कि मुझे पैसा चाहिए है 1 महीने के बाद। अगर आप 1 महीने दे देंगे तो मेरी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ठीक है, मेरे कहने पे वो कह रहे हैं मैं 1 महीने में सारा तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं क्या करता हूँ, आपको 5,000 रुपया दे दूँगा 1 महीने में, और ₹15,000 जो बैलेंस हैं ये दूंगा 3 मंथ्स के बाद, ये दे देंगे अभी और ये दे देंगे 3 मंथ्स। ये 1 मंथ तो क्या एग्री किया मेरे डेटर ने, कहा कि 5,000 रुपये विद इन 1 मंथ या मैक्सिमम 1 मंथ में दे दूंगा, और 15,000 रुपीज 3 महीने के बाद दूंगा। तो मैंने कहा क्या गारंटी है कि आप 5,000 रुपया मुझे दे ही दोगे 1 महीने के बाद? ये सेड आप में से लिखवा के ले। तो अगर वो मुझे कागज पे लिख के दे देते हैं कि जी मैं इस तारीख को, मैक्सिमम फलाना तारीख को 1 महीने के अंदर 5,000 रुपया दे दूंगा, तो ये हमारा हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल। तो ये जो डॉक्यूमेंट है उनके द्वारा, उन्होंने जो साइन किया हुआ, मैं भी साइन करूंगा। अगर मुझे और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए तो मैं कोर्ट्स के बाहर जो नोटरी पब्लिक बैठती है उनसे भी मैं स्टैंप लगवा सकता हूँ कि जी इन्होंने मुझे 1 महीने बाद देने का प्रॉमिस किया।
लेकिन ऐसी जरूरत पड़ती नहीं है नॉर्मली। तो ये हमारा हो गया बिल्स रिसीवेबल कितना हो गया 5000, और इस केस में अब क्या हो गए हमारे डेटर्स 15000, ये हो गए हमारे डेटर्स। अब देखिए केस वन, डेटर्स कितने हमारे 20000, इस केस में तो 20000 थे। अब इस केस में सेकंड केस में ये है हमारा केस नंबर टू, दिस वन, इसमें बिल्स रिसीवेबल पहले केस में कुछ भी नहीं है और केस नंबर सेकंड में डेटर्स हो गए हमारे 15000 और बिल्स रिसीवेबल हो गए 5000। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आ जाइए ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल इज द टोटल अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ फ्रॉम द क्रेडिट सेल। तो टोटल अमाउंट रिसीवेबल कितना है फ्रॉम क्रेडिट सेल्स, डेटर्स प्लस में बिल्स रिसीवेबल, हमारा टोटल पहले के केस केस नंबर वन में भी 20000 था और अब भी 20000 है बिल्स। टोटल ट्रेड रिसीवेबल कितना है हमारा 20000, इसको और बाइफरकेट कर रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल कितना है 5000, डेटर्स कितना है 15000। अब ये बैलेंस शीट्स में कैसे अपीयर होगा, अब लगा लीजिए बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट्स में एसेट साइड में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, एज करंट एसेट्स। ये करंट एसेट्स आते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं डेटर्स हमारे करंट एसेट्स में होते हैं क्योंकि ये विद इन 2-3 मंथ्स पैसा दे देते हैं, शॉर्ट पीरियड में दे देते हैं पैसा। तो ये हमने अभी समझा डेटर्स को और बिल्स रिसीवेबल को, है ना। तो अभी आप इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको रब कर देता हूं। वेलकम बैक, अब हम समझेंगे क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को, एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे कि हमने अभी डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को समझा। अब उसी एग्जांपल को दोबारा लेके चलते हैं, मेरे पास शर्ट्स बनाने का बिजनेस है। अब शर्ट्स बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, बटन्स भी चाहिए, धागा भी चाहिए, सब कुछ चीज़ें चाहिए, है ना। तो ये जो मैं रॉ मटेरियल परचेस करूँगा और जो इनको अपने कारीगर्स को दूंगा तभी तो वो शर्ट्स बनाएंगे। तो इसीलिए इसी तरह मैं, आप मान के चलिए कि मैंने एक शर्ट्स के लिए 100 मीटर्स का क्लॉथ लिया एट द रेट 200 रुपीज पर मीटर, ठीक है, 20000 रुपीज का परचेस किया है क्लॉथ, किससे किया, फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर क्लॉथ मर्चेंट है, मिस्टर कपूर फॉर एग्जांपल, उनसे कर लिया। अब एज ए टोकन ऑफ मनी मैंने 5000 रुपीज दे दिया, सेम जैसे हमने डेटर्स के केस में किया था। अब क्या किया, 15000 रुपीज पेएबल इन 3 मंथ्स, ठीक है। तो इस केस में ये हमने कैश दे दिया, कैश दे दिया, इसका तो खत्म हो गया किस्सा। 15000 अब ये मेरे लिए पेएबल है टू मिस्टर कपूर, तो ये क्या हो गए मेरे लिए क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स क्या हुए, क्रेडिटर इज द पर्सन टू हूम बिजनेस हैज टू पे सम मनी अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स भी हो सकते हैं सेम, सर्विसेज भी हो सकती हैं। ये हो गया हमारा वही केस वन, क्रेडिटर्स
15,000। अब इन केस मेरे को भी अगर लिख के देना पड़ता है कि मैं कुछ 5,000 रुपीज या 10,000 रुपीज आपको एक महीने में दे दूंगा, 1 month, और 5,000 रुपीज 3 months, ये हो गया हमारा केस टू। अगर मैं भी लिख के देता हूं इस क्लॉथ मर्चेंट को कि मैं ये 10,000 रुपए तो आपको एक महीने में दे दूंगा या इस तारीख तक दे दूंगा, एक कागज पर लिख के दे देता हूँ, अपने भी साइन करता हूँ और इनसे भी साइन लेता हूँ, और 5,000 रुपया मैं दूंगा 3 महीने बाद, तो अगर ये टर्म एक्सेप्ट हो जाती है तो ये हमारे हो जाएंगे बिल्स पेएबल, जो मुझे बिल पेएबल करने हैं विद इन 1 month, और ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर्स। ठीक है, समझ में आ रही है ना इतनी बात। तो अब आ गए हमारे केस वन में, हमारा क्या है केस वन, क्रेडिटर्स हैं हमारे 15,000 और बिल्स पेबल अभी कुछ नहीं है इसमें, बिल्स पेबल केस वन में कुछ भी नहीं है, और केस टू क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे, 5,000 ओनली, और बिल्स पेबल 10,000। और तो ट्रेड पेबल्स कितने हो गए हमारे, ट्रेड पेबल 5,000 और ये है 10,000। दोनों ही केसेस में पेबल अमाउंट इज 15,000, बस सेकेंड केस में बायफर्केशन हो गया है बिल्स पेबल का और क्रेडिटर्स का, बिल्स पेबल हो गए 10,000 और क्रेडिटर्स हो गए 5,000। ये जो पैसा है ये विद इन 1 month देना है, ये विद इन 2 month 3 months भी दिया जा सकता है एज पर द एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये हमारा, और ट्रेड पेबल्स इज द सम, टोटल सम पेबल टू द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल इज द ट्रेड पेबल। तो ये था दोस्तों हमारा आज का पूरा वीडियो डेटर्स के ऊपर, क्रेडिटर्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को, आपको समझ में आया होगा। अगर अब भी ज़रा भी डाउट है तो आप हम मेरे को कमेंट्स में लिखिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें और अभी बताऊंगा, ये जितना भी डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं ये हमारे गुड्स और सर्विसेज के ऊपर ही है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई फर्नीचर भेज देता हूँ या मैं वो मशीन ही भेज देता हूँ जिस पे कारीगर काम कर रहे हैं, और वो मैंने मशीन भेज दी 20,000 की, जिसमें से मुझे 5,000 तो मिल गया है और 15,000 अभी नहीं मिला है, तो ये 15,000 मेरे डेटर्स नहीं हैं, ये तो कैश मिल गया। ठीक है, ये मशीन सेल करी है 20,000 की, ये 15,000 मेरे डेटर्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये मेरा कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। मेरा कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, शर्ट्स का है, ये यहाँ हमने क्लॉथ लिया था, शर्ट्स का है। तो ये जो है ये हमारा 15,000 नहीं है, इसको हम समझेंगे जब हम मशीन अकाउंट, जब हम लेटर बाद में समझेंगे। तो अभी सिर्फ से यही समझना है कि जितने भी डेटर्स और क्रेडिटर्स होते हैं ये अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम और कुछ अकाउंटिंग टर्म्स लेके आएंगे। थैंक यू।